हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 10 न्यू एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन फैंटेसी एडवेंचर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हमेशा की तरह, अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। ये 2011 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जैक नाम के एक आदमी की, जिसके हाथ के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वेपन को फिट कर दिया जाता है और साथ ही जैक की सारी याददाश्त मिटा दी जाती है। अब ऐसे में जैक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर वो कौन है और आखिर इसके हाथ के अंदर ये वेपन कहां से आई। लेकिन इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग जैक के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन कहानी असली ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच वहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस अटैक कर देते हैं। अब ऐसे में जैक उन्हीं लोगों के साथ मिलकर निकल जाता है उन एलियंस का सामना करने के लिए। तो आखिर क्या जैक उन एलियंस का सामना कर पाएगा या फिर नहीं, और इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको भी मेरी तरह एलियन वाली मूवी देखना पसंद है, देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ट्रोल। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 5.8/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही पुरानी खदान की, जिसके अंदर एक्सप्लोजन करने की वजह से एक बहुत ही पुराना ट्रोल यानी कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जाग जाता है। अब इसके बाद ये मॉन्स्टर पूरे शहर भर में तबाही मचाने लगता है, जिसकी वजह से एक लड़की को हायर किया जाता है ताकि वो इस मॉन्स्टर को रोक सके। अब आखिर ये लड़की इतने बड़े ट्रोल यानी कि इतने बड़े पत्थर के मॉन्स्टर को कैसे रोकती है, और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है और इसकी हिंदी डबिंग भी आपको अच्छी लेवल की मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा, देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अननोन। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 5.8/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मार्टिन नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब मार्टिन को होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पहचानने से इनकार कर देती है। साथ ही बाकी सभी लोग मार्टिन को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो आखिर मार्टिन के साथ ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से हर कोई उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। अब अगर इससे आगे मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में मार्टिन के साथ क्या कुछ होने वाला है तो आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और साथ ही अगर आपको मिस्ट्री से भरी हुई एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एजेंट गेम। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 4/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हैरिस नाम के एक एजेंट की, जिसे एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल से बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है ताकि वो इससे बातचीत करके इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब इसी बीच उस क्रिमिनल की डेथ हो जाती है और उसका सारा इल्जाम हैरिस के ऊपर डाल दिया जाता है। अब ऐसे में हैरिस वहां से भाग निकलता है, लेकिन इसी बीच बहुत सारे एजेंट्स को हैरिस के पीछे लगा दिया जाता है उसे पकड़ने के लिए। अब आखिर हैरिस अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा और आखिर क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नाइट ऑफ द हंटेड। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.3/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एलिस नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन लेट नाइट अपने घर पे लौटती है, लेकिन इसी बीच उसकी गाड़ी में गैस खत्म हो जाता है। अब ऐसे में एलिस अपनी कार में गैस पुराने के लिए एक वीरान गैस स्टेशन के ऊपर जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहां पे जाने के बाद एलिस का सामना एक बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीज से हो जाता है, जो कि एलिस के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए। अब आखिर ये चीज क्या है और आखिर ये एलिस को क्यों मारना चाहती है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा, देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ओवरलोड। ये 2018 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की हॉरर साइफाई मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.6/10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ अमेरिकन सोल्जर्स की, जिन्हें एक मिशन पे भेजा जाता है, जहां पे उन्हें जर्मन्स के इलाके में जाके एक बहुत बड़े टावर को डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो वहां पे हवाई हमला कर
सके। वैसे में ये सोल्जर निकल जाते अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन वहां पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जर्मन्स के पास एक बहुत अजीब तरह की लैब है जहां पे वो बहुत ही अजीब तरह की चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन इसी बीच इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है जिसकी वजह से इनके ज्यादातर सोल्जर मारे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये कैसे भी करके उस लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे और अपने मिशन को पूरा करेंगे। तो आखिर क्या ये लोग उस लैब को डिस्ट्रॉय करके अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लोगन नाम के एक एक्स पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद अपने दोनों बच्चों को लेके एक नए अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है ताकि यहाँ पे आके वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन यहाँ पे आने के बाद लोगन को पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ तो अजीब तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे। अब ऐसे में लोगन निकल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो सारे लोग वहाँ पे कैसे गायब हो रहे। लेकिन इसी बीच लोगन अपने और अपने दोनों बच्चों की जान एक बहुत बड़े खतरे में डाल देता है। अब इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है और आखिर लोगन अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे बचाता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर थर्ड पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द मोर्टल इंस्ट्रूमेंट सिटी ऑफ द बोनस। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कैसी नाम की एक लड़की की, जो कि कॉलेज से अपने घर पे लौटती है। लेकिन घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके घर पे कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों ने अटैक कर दिया और उसकी मदर को किडनैप कर लिया। अब ऐसे में कैसी निकल जाती है अपनी मदर को बचाने के लिए, लेकिन इसी बीच कैसी को पता चलता है कि उसके पास कुछ बहुत ही अजीब तरह की सुपर पावर है जिससे कि वो हमारी दुनिया को कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों से बचा सकती है। अब इससे आगे मैंने अगर आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आपको मैजिकल एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर सेकंड पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल 3 मूवी देखने को मिलने वाली है, दी हैबिट्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब ये 2012 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप इसकी रेटिंग देख के समझ सकते हो मूवी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी देखी है तो ये मूवी भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। अगर आपको हैरी पॉटर जैसी मैजिकल एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी भी आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब अगर आपने इन तीनों में से अभी तक एक भी मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इन तीनों ही मूवी को जरूर देखना, तीनों ही मास्टरपीस मूवी होने वाली है। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की हॉरर साइफाई मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है लाइफ, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की जिन्हें एक स्पेस मिशन के चलते मार्स के ऊपर भेजा जाता है ताकि वहां पे जाके वो रिसर्च वगैरह कर सके। लेकिन वहां पे जाने के बाद वो लौटते टाइम एक छोटे से जीव को अपने साथ लेके आते हैं ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से वो जीव बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है और एक एक करके उन सभी लोगों को मारने लगता है जो कि शिप के ऊपर मौजूद है। अभी ने किसी भी हालत में इस जीव को स्पेस में ही मारना होगा, क्योंकि अगर ये अर्थ पे चला गया तो ये पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। अब आखिर ये लोग अपने आप को उस एलियन से कैसे बचाएंगे और आखिर क्या वो उसे मार पाते या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।